ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 10 फरवरी 2020 सोमवार का दिन है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। फाल्गुन महीने का पहला दिन रहेगा। मघा नामक नक्षत्र तथा सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल कई क्षेत्रों में नहीं माना जाता है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार आप राहु काल का निर्णय कर सकते हैं। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क कन्या मकर और मीन ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के साथ पदोन्नति इनकी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में या नौकरी में या जो भी कार्य करते हैं वहां पर इनको नए लाभ का या नए पद का अवसर मिलने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज जो भी काम हाथ में है उसे निपटाने में अधिक समय नहीं लगेगा। नौकरी या व्यापार में एक से अधिक फायदे के अवसर आपको मिल सकते हैं। कामकाज की गति तेज होगी। परेशानियों का अंत होने का जो है समय आ चुका है। अपने शौक पूरे करने हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से सभी काम आपके पूरे होंगे। माता पिता या बड़े लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके फेवर में आ जाएगी। कुछ व्यापार में जो है आपको फायदा होने वाला है। वाहन या मकान खरीदने का आप मन बना सकते हैं। पुराना परिचित व्यक्ति आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है। आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा और कोशिश करने से आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अपना मन शांत रखें, आपको नए अनुभव मिलेंगे। कामकाज में आनंद आएगा। भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा। अचानक कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। धन लाभ की उम्मीद है। पैसा तो आएगा, काम की बात भी होगी। माता पिता और भाई बहनों से आपको मदद प्राप्त होने वाली है और उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ मामलों में बहुत ही सोच विचार कर आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। आप वही करें जो आप चाहते हैं। अपना व्यवहार लचीला रखें। पिछले कुछ दिनों से बनी योजनाएं आपके लिए कारगर साबित होगी। जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें। बिजनेस में अच्छी तरह सोच विचार कर किए हुए सौदे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दूसरों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवार और दूसरों से भी आपको मदद प्राप्त होगी। यात्रा का कार्यक्रम अचानक बन सकता है। मन में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी या जीवन साथी की पैसों की स्थिति में कुछ बदलाव होने वाला है। विचार करके कोई नई योजना बनाएंगे तो पैसों के लिहाज से बड़ा फायदा होगा और रुका हुआ पैसा मिलेगा। कामकाजी जीवन में प्रगति के कई अवसर मिल सकते हैं। कोई बड़ा काम हाथ में लेने के पहले विचार अवश्य करें। समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद न होने दें, मामला न उठाएं। कुछ दोस्तों का व्यवहार आपको थोड़ा सा गलत लग सकता है और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
पैसों के मामलों में आपको पॉजिटिव संकेत प्राप्त होने वाले हैं। किसी की मदद से अच्छा फायदा होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेगी। अधिकारी और लोगों से भी आपको मदद मिलेगी। इससे आपके संबंधों में सुधार होगा। भावनात्मक संतुलन और शांति बनाए रखें। दुश्मन खुद की गलतियों से ही अपने आप हार जाएंगे। और आज जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको आने वाले समय में अच्छा फायदा प्राप्त होने का योग बनेगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है और किसी न किसी तरीके से आपको धन लाभ होगा। कामकाज में नई शुरुआत होने का योग है। आप नौकरी बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं। परिवार में किसी के रिश्ते आदि पर आपको सहमति प्राप्त हो जाएगी। आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। कागजी काम चुनौतीपूर्ण लगेगा। इंटरव्यू, सौदे, दलाली और कमीशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। दूसरों के साथ अनबन या विवाद का कोई मामला उलझ सकता है। सावधान रहे, किसी की आलोचना बिल्कुल न करें। और उपाय कर के रूप में कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर ले। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ रोचक अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निवेश या सौदेबाजी से आपको बड़ा फायदा होगा। भावनात्मक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति में अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक रखें। सब ठीक हो जाएगा। जरूरी कामों की सूची बनाकर निपटाएं। परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यस्तता रहेगी। करियर के लिए जिससे आपको मदद की आवश्यकता होगी मिल जाएगी। शांत रहे, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार अवश्य करें। जल्दबाजी में किए गए काम से आपको नुकसान हो सकता है और किसी व्यक्ति विशेष से आपको वैचारिक मतभेद का सामना भी करना पड़ेगा। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भाइयों और दोस्तों की मदद से आपके खास काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी धंधे को लेकर मन में कुछ व्यावहारिक विचार भी रहेंगे। ऑफिस में कोई नया काम आपको मिल सकता है। कोई पुराना मामला चला आ रहा है तो बेहतर होगा कि उसे सिरे से भूल जाए। और होने वाले फायदे के भी आपको संकेत प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नया काम करेंगे, लाभ होगा। किसी काम को बार बार करने से बचे। उधारी लेने या देने से भी आपको बचना चाहिए। छुटपुट अनबन या विवाद होने का योग बन रहा है। बीती बातों को जितना खींचेंगे उतने ही आप परेशान हो जाएंगे। उपाय के रूप में एक पान सुपारी यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धन लाभ का योग बन रहा है। कोई नई और महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है। ऑफिस में वह काम आपको मिलेगा जिसके लिए आप बहुत उत्सुक थे। आज आप अपनी वाणी से सभी काम पूरे करवा लेंगे। न्याय संगत बातें करेंगे। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। परिवार और व्यवसाय के मामलों में सहजता और सरलता रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धैर्य और शांति बना करके रखें और वाणी में संयम रखें। कार्य के रूप में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होने वाली है। उपाय के रूप में नहाने के पानी में यदि आप एक सफेद फूल डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई जोखिम भरा काम आप शुरू कर सकते हैं। इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आपका आकर्षण बढ़ेगा। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे तो फायदा होगा। आपको पैसों के बारे में बहुत समझदारी से फैसला करना होगा। अतिरिक्त आमदनी के कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। खेलकूद और मनोरंजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। सुख मिलेगा। दोस्तों के साथ मन की बातें शेयर भी करेंगे। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। दूसरों की बातें और कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी के मंदिर में दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी परेशानी किसी से शेयर करने पर आपका मन हल्का हो जाएगा। हर तरह के मामलों में शांत मन से विचार करें, फिर ही कोई फैसला करें। आपकी इच्छाएं पूरी होने में समय नहीं लगेगा। कुछ फैसले आपके ठीक रहेंगे। आने वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अपनों का साथ मिलने से आप खुश हो जाएंगे। बिजनेस या जॉब के पर्पज से यात्रा हो सकती है। निजी जीवन के कुछ विवाद भी सुलझ सकते हैं। और उपाय
मिठाई के रूप में। यदि आप अपने घर से निकलते समय एक इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मदद या सलाह के लिए कुछ लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों और भाइयों से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। धन लाभ होगा। कोई क्या सोच रहा है या आप तुरंत समझ जाएंगे। रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा है। ज्यादातर मामलों में दिन अच्छा रहेगा। आपकी तारीफ होगी। पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सकता है। किए गए कामों का फायदा होगा। समय आपके पक्ष में रहेगा। ज्यादा मेहनत करके धन लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।